हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे अच्छे से होंगे स्टूडेंट हम लोग रिमान इंटीग्रेबल चैप्टर में इसके पहले बी एस सी थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे इस इसमें कुछ थीरम्स और क्वेश्चन थीरम को किए थे आज नेक्स्ट थीरम देखते हैं नेक्स्ट थीरम है इफ ए फंक्शन ये फंक्शन एफ इज अ बाउंडेड ऑन रिमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी एंड फंक्शन पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है जहां पे यक्स विलॉन्ग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी पर देन रिमान इंटीग्रेबल प्रूफ करना है देन रिमान इंटीग्रेबल ए टू बी एफ आफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है ना तो इसमें देखते हैं इसका प्रूफ देखेंगे लेट कैपिटल यम एंड इसमालम बी द सुप्रीमम बी द सुप्रीमम एंड इन्फिम सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ यफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी देन बाई एबब थियरम देन बाई एबब थियरम इफ अब एब थ्योरम इसके पहले वाली वीडियो में देखना जो थ्योरम हमने इसके पहले वाले में कराया है क्वेश्चन है ना इसलिए मैं लिख दे रहा हूं एब थ्योरम मतलब इसके पहले वाले थ्योरम में हमने कराया है इफ बी इज ग्रेटर देन ए वी है वी है अब इसके पहले वाले थीरम में हमने क्या कराया था कि बी इज ग्रेटर देन ए था तो कैपिटल ए लेस देन आर इक्वल टू लो अपर फंक्शन एट पार्टीशन ये वाला थीरम कराया था ध्यान देना पिछली वीडियो देख लेना है ना वी ऑफ लेस देन आर इक्वल टू ए टू बी यस डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू यम ऑफ बी माइनस ए ये थीरम है और इसी थ्योरम को हमने एब थ्योरम का नाम दिया मतलब इसके पहले हम इसका प्रूफ कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में है ना तो इस कंडीशन में है मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हियर गिवन वेन कीवेन यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी राइट देयरफॉर देयरफॉर यम कैसा है पॉजिटिव हो तो इस कंडीशन में आल्सो क्या गिवन है थ्योरम के रिगोर्डिंग b इज ग्रेटर देन a इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट इसको लिखा जा सकता है b माइनस ए इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो तो इस पहले वाले थ्योरम से देखेंगे फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कंक्लूड दैट वी कंक्लूडेड दैट क्या हम इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते इंटीग्रेबल ए टू बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बिल्कुल लिख सकते हैं और यही तो हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ है तो इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूफ है ना तो इसका स्क्रीन शार्ट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कंडीशन के रिगार्डिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे देन इसका प्रूफ देखेंगे कह रहा है कि इफ द इफ द फंक्शन यफ इज रिमान इंटीग्रेबुल ध्यान देना रिमान इंटीग्रेबुल किस पर ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी रिमान इंटीग्रेबुल किस पर ओवर क्लोज इंटरवल ए बी पर एंड स्टेटमेंट में ही एंड सुप्रीम इनफीम लिखेंगे बी द सुप्रीमम सुप्रीमम इनफीम इनफीम रिस्पेक्टेवली राइट रिस्पेक्टिवली मतलब कैपिटल एम क्या है सुप्रीमम स्मॉल एम क्या है इनफीम रिस्पेक्टेवली फ यफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन देर एग्जिस्ट अ नंबर के राइट के वेर एज यम इज लेस देन आर इक्वल टू के लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल यम सच दैट इस कंडीशन में हो जाएगा सच दैट स्टेटमेंट ही है ठीक है प्रूफ करना है इंटीग्रेबल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट के बी माइनस ए राइट और ये हमको प्रूफ करना है और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है तो देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट तो जरूर है लेकिन इसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं तो इसका प्रूफ देखते हैं प्रूफ देखेंगे प्रूफ कर, अगर हमको लिखना हो स्टेटमेंट में है तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि एक थीरम हम इसके पहले वीडियो में प्रूव कराएं इसको देख लेना वो थीरम है लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट थ्योरम उसका स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे मैथमेटिकल पार्ट लिखेंगे थीरम ये आप b- माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेबल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए अब इसको देखोगे तो पिछली वाली थियरा में हमने प्रूफ कराया पिछले वीडियो में बी इज ग्रेटर देन ए है न? और दूसरा क्या है इस कंडीशन में है यफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल यम ऑफ बी माइनस ए कब इफ कंडीशन क्या है बी इज लेसर देन आर इक्वल टू ए है ना ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं प्रूफ कर चुके हैं और इसके पहले ये थ्योरम का स्टेटमेंट है तो इसमें लिखेंगे एंड इफ कंडीशन दे रखा है ये वाली कंडीशन इफ यम इज लेसर देन आर इक्वल टू के इज लेसर देन आर इक्वल टू यम देन वी कंक्लूड दैट वी कंक्लूड दैट अगर हम इनको कंक्लूड करें तो क्या पाते हैं इंटीग्रेबल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के साथ के आफ बी माइनस ए और यही बात तो हमको प्रूफ करना था जो कि ये है तो ये छोटे छोटे थीरम के रूप में टर्मिनोलॉजी है और इम्पोर्टेंट है तो इनको नोट कर लेंगे है ना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं पॉज द वीडियो डाउन इसका स्क्रीनशॉट ले लो राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट थीरम पर ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थीरम क्या कह रहा है उसके रिकॉर्डिंग हम बात करते हैं ठीक है देखो भाई हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि छोटे छोटे थीरम के कॉन्सेप्ट हैं इनको समझते चलेंगे ठीक है चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि दो थीरम तो हो गया इस पर अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे इसी पर है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंटीग्रेबल वन टू टू यक्स क्यू डी एक्स यूजिंग यूजिंग फंडामेंटल थियरम यूजिंग फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है ना इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके हमको इस इंटीग्रेशन का मान पता करना है है ना तो क्या करते हैं इसका सोलूशन देखो वेरी इजी है फंडामेंटल थ्योरम मतलब समझ पा रहे हो ना जो फंडामेंटल रूलिंग से हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके हिसाब से रिमान से नहीं तो इसमें देखते हैं कि ये गिवन है हमारे पास ये इक्वल टू एक्स क्यूब और जहां पे ये रेंज वन से टू है तो वन से टू के बीच में ये रेंज है यानी एक्स अगर इसको सीधा सीधा लिखें तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटर रोल वन टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं और इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्लियरली या फिर कॉन्टिन्यूस है, है ना किस पर ऑन क्लोज इंटरवल वन टू टू पर है ना नाउ इफ नाउ इफ अगर इंटीग्रेबल लेबल क्या लिख सकते हैं कब? जब टू तो 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 इस कंडीशन में हो और अगर इसका हम डेरिवेट लेक्स फंडामेंटल थ्योरम के रिकॉर्डिंग तो ये एक्स क्यूब होगा और इसको मान लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये समझ पा रहे हो ना तो फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल थ्योरम का क्या है अगर हम थोड़ा सा क्ल्यू दें आपको फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है फंडामेंटल थ्योरम वन टू टू और ये हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू फाइ ऑफ टू पर मतलब फाइव ऑफ टू लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस फाइव ऑफ वन की वैल्यू अर्थात इसकी वैल्यू कितना है फाइव ऑफ टू अगर एक्स के स्थान पर रखोगे तो आ जाएगा टू की पावर फोर अपान फोर माइनस वन की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन की पावर फोर आ जाएगा और अपान के साथ में फोर है ही और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फिफ्टीन अपान फोर तो फंडामेंटल थ्योरम से ये इसका क्या आ जाएगा आंसर है ना पॉज द वीडियो नोट इट डाउन इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं क्लियर इस तरीके से हम इसको देख चुके हैं चलो स्क्रीन शॉट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इनको देखते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है इफ अ फंक्शन अ फंक्शन डिफाइंड ऑन किस पर डिफाइन करने के लिए कह रहा A, right? cube, right, है क्लोज इंटरवल जीरो टू ए राइट वेर एज ए पॉजिटिव बाय यफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब राइट ना ये दिया एक्स क्यूब देन देन सो दैट सो दैट फ इज रिमान इंटीग्रेबुल यफ इज रिमान इंटीग्रेबुल ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू ए एंड एंड इंटीग्रल जीरो टू ए यफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू दावर फोर अपान के साथ में फोर ये कंडीशन है और ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आराम से ध्यान से पढ़ो और इसको समझो और हमको ये प्रूफ करना है रिमान इंटीग्रेबल के थ्रू फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल के थ्रू इसको प्रूफ करना है तो देखते हैं इसका सोलूशन आराम से समझते जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक ना सोलूशन में देखते हैं क्या कंडीशन है देखो पहला काम इसका पार्टीशन बनाते हैं तो लिखेंगे कंसीडर कंसीडर पार्टीशन इक्वल टू जीरो टू ए बाई एन फिर टू ए बाई एन फिर ऐसे बढ़ते हुए चले जाओ कहाँ तक एन माइनस वन टू ए बाई एन पार्टीशन बना रहे हैं और ये एन ए एन इक्वल टू के साथ ए किसका आफ आफ क्लोज इंटरवल जीरो से ए पर है ना लेट इंटरवल आई आर बी सब इंटरवल हो जाएगा सब इंटरवल हो जाएगा किसका आप पी सच दैट इसका मतलब जो इंटरवल आई आर हमको फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा बोलो एक तो आर माइनस ए टू आर माइनस ए टू नहीं होगा आर माइनस वन होगा ये ठीक ना आर माइनस वन अपान के साथ यन हो आ जाएगा राइट ये आर एथ इंटरवल है आर इक्वल टू वन टू थ्री ऐसे करके और साथ में ए और दूसरा आर ए अपान यन, ठीक ना ध्यान दो ये आर माइनस वन है और ए अपान एन और दूसरा क्या हो जाएगा इंटरवल सब इंटरवल आर ए अपान यन. और सब इंटरवल की डिफाइन किया कर चुके हैं पहले वीडियो में तो इसका लेंथ ऑफ इंटरवल जरूरत होगा मतलब इसको इससे इस वाले को इससे सब्सक्राइब कर देंगे कितना तो आ जाएगा ए बाईन जहां पे आप आर इक्वल टू वन टू तक लिख सकते हो तो इतनी बात क्लियर हो गई कि सब इंटरवल फिर लेंथ ऑफ इंटरवल पार्टीशन इन तीन की जरूरत पड़ती है इन तीन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो लिखते हैं नाउ नाउ लेट सुप्रीम एंड इस्माल यम आर बी द सुप्रीम सुप्रीमम एंड इनफीम एंड इनफीम आ फंक्शन इन इंटरवल आई आर ठीक है सिंस इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एंड इनक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन इन इंटरवल जीरो टू ए इन इंटरवल जीरो टू ए इसका मतलब देर फोर फिर आगे लिखेंगे देर फोर देर फोर अब हमको कैपिटल एम आर की वैल्यू चाहिए और स्मॉल एम आर की वैल्यू चाहिए तो यहां से पॉजिटिव नोटेडाउन क्योंकि स्थान नहीं है फिर आगे बढ़ते हैं इसको नोट कर लो स्क्रीन साठ ले फिर नोट कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दे फोर इस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास यहां से हमको फाइंड आउट क्या करना है स्मॉल एम आर तो स्मॉल एम आर कितना आएगा बोलो आर माइनस वन और इसका क्यूब और एक क्यूब अपान यन क्यूब क्यों ऐसा क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में एफ आफ एक्स इक्वल टू तो एक्स क्यूब दिया है इसीलिए राइट एंड सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम आर इक्वल टू तो, आर क्यूब एक क्यूब अपान क्यूब आ जाएगा वेर एज आर इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सोन इतना लिख देंगे अब देखो यहां से लोअर फंक्शन एड पार्टीशन पी इक्वल टू समन आर इक्वल टू वन टू एन ये वैल्यू आ जाएगा और यम आर डेल आर इक्वल टू के साथ में समेशन आर इक्वल टू वन टू एन अब देखो एम आर की वैल्यू हम लिखते हैं तो कितना है आर माइनस वन का होल क्यूब एक क्यूब अपान क्यूब समझ में आ रही बात और डेल आर कितना है ए बाई यन इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे जनरल वे में यहां से देखते हैं तो सॉल्व करने पर अगले स्टेप में देख लेते हैं कितना आएगा ए टू पावर फोर एन टू पावर फोर अब समेशन आर इक्वल टू वन से कहां तक चलेगा यन और ये बच रहा है आर माइनस वन टू होल क्यूब है ना इसको हम लिख सकते हैं ए टू दावर फोर अपान एन टू दावर फोर और क्यूब का एक्सपेंशन कितना होगा वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस माइनस वन क्लियर है अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं तो लिखेंगे ए टू दावर फोर अपान यन टू दावर फोर और इसको लिखा जा सकता है यन माइनस वन इन अपान के साथ टू का होल स्क्वायर इक्वल टू के साथ इसे लिख सकते हैं ए टू दावर फोर अपान अपान के साथ में फोर आ जाएगा अपान के साथ में ये क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा और इस कंडीशन में इसको इसको सॉल्व करने पर इस वाले पूरे पैकेट को इस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं वन माइनस वन अपान एन का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर इतना आया ठीक ना तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रल जीरो से क्योंकि पार्टीशन है टू लिमिट एन टेन टू इन्फाइट लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी इक्वल टू टेन टू इन्फाइट राइट ए टू दावर फोर अपॉन फोर वन माइनस वन बाई एन का स्क्वायर अब इसको वन अपान एन क्या इन्फिनिटी हो जाएगा खत्म हो जाएगा जीरो तो ये बचेगा कितना ए टू दावर फोर अपॉन फोर तो ये जो वैल्यू है किसका है लोअर फंक्शन पार्टीशन पी का जो कि जीरो से पर है पॉज द वीडियो नोटेड डाउन स्क्रीन शॉर्ट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं अपर फंक्शन के लिए ठीक ना स्क्रीन शॉट को क्या होगा चलो आगे देखते हैं आगे जो वैल्यू है हमारे पास अपर फंक्शन के लिए है तो अपर फंक्शन के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी ये क्या हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर डेल आर इक्वल टू के साथ में इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू वन टू एन है ना और ये वैल्यू रख देते हैं आर क्यूब ए क्यूब अपान एन क्यूब इन टू यह आ जाएगा ए एन अपानर की वैल्यू है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसको ए टू दावर फोर अपान एन टू दावर फोर समेसन आर इक्वल टू वन टू एन ये वैल्यू और यहां पर वैल्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा आर क्यूब आर इक्वल टू वन टू थ्री अपू सो वन है, है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहां से ए टू पावर फोर अपान पावर फोर और आर क्यूब की वैल्यू समय क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस सो वन प्लस क्यूब अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो लिख सकते हो ए टू दावर फोर अपान एन टू फोर और लिखेंगे यन एन प्लस वन अपान के साथ में टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू दावर फोर अपान इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फोर वन प्लस वन अपान एन का होल स्क्वायर अब इसको अपर फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं जीरो से ए और फंक्शन एफ आफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट यन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू दावर फोर अपान फोर वन प्लस वन अपान यन होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो यन टेन टू इन्फिनिटी समाप्त हो जाएगा या आ जाएगा ए टू दावर फोर अपान फोर राइट right. तो ये अपर फंक्शन के लिए वैल्यू आ गया अब देखो जीरो से एफ इक्वल टू जीरो से ए अपर फंक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा ए टू दावर फोर तो यहां पे लोअर रिमान इंटीग्रेबल अपर रिमान इंटीग्रेबल दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये बात तो रिमान इंटीग्रेबल हुआ पहली बात और दूसरी बात इसका वैल्यू कितना आया ए टू दावर फोर तो यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या करेंगे पॉज वीडियो एंड नोटेड डाउन इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने दो थीरम और इस पर आधारित दो क्वेश्चन को देखा नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आज क्या हो जाता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे